हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इंडिया नेपाल टेंशन के बारे में डिस्कस करूं और इसके बैकड्रॉप में या इसके बैकग्राउंड के जो इवेंट्स हैं कि किस इवेंट्स की वजह से ये इतना इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस में रिफ्ट चल रहा है उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूं। तो 2 से 3 सीरीज के ये वीडियोस होंगे जिसमें हम लोग इंडिया नेपाल टेंशन को पूरी तरह से समझेंगे और इससे जो लिंक्ड इवेंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला इवेंट है जिसकी वजह से इंडिया नेपाल टेंशन एग्रवेट हो रहा है या इंडिया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इवेंट है लिंक रोड का इनॉग्रेशन। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने लिंक रोड इनॉग्रेट की है जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है ताकि हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा को काफ़ी सुगम तरीके से कर सकें। ये रोड 80 किलोमीटर की है और ये उत्तराखंड के धारचूला एरिया को लिपू लेक पास से कनेक्ट करता है और लिपू लेक पास यानी कि हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन जो कि चाइना का पार्ट है उसके बीच की बॉर्डर एरिया है। अगर हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा एक रिलीजियस यात्रा है इंडियंस के लिए और ये कैलाश पर्वत जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे रिलीजन्स के लिए, जैसे कि बॉर्न रिलीजन हो गया, हिंदू जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया और हिंदुइज्म हो गया। कैलाश मानसरोवर कैलाश माउंटेन कैलाश रेंज का सबसे हाइएस्ट पीक है कैलाश माउंटेन और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए हम लोगों को तिब्बतन रीजन जो कि चाइना का पार्ट है वहाँ तक जाना पड़ता था। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि नेपाल ने इस मूव को प्रोटेस्ट किया है, इस रोड के बनने को प्रोटेस्ट किया है। उनका कहना है कि जो लिपू लेक पास का जो सदर्न रीजन है या जो सदर्न एरिया है वो उनके उनके रीजन को बिलोंग करता है यानी कि वो नेपाल को बिलोंग करता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि लिंक रोड क्या है और इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग समझेंगे कि किस तरह से नेपाल का जो क्लेम है या इसके पीछे कौन सी ट्रीटी है जिसको वो बार बार कोट कर रहे हैं या फिर अभी की जो रीसेंट पीस ट्रीटी है जो 1950 में साइन की थी इंडिया और नेपाल की जो पीस ट्रीटी है मैं उसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की इस रोड के बन जाने से ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है इंडियंस के लिए जिसकी वजह से अब हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो भी कैलाश मानसरोवर यात्रा को पूरा कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वेट करें मेरे अपकमिंग वीडियोस का इस सीरीज़ के जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे। थैंक यू सो मच।